अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मरिचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी खबर हमें देखने को मिली है, जिसमें कि चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट फोर्थ जनरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। साथ ही कहा है कि उनकी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन टेक्नोलॉजीज पर, अब वो उसको कम से कम करेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे और उनके कंट्री में जितने भी कोल पावर प्लांट्स वगैरह है उसको भी अब वो शट डाउन करने की बात उन्होंने कही है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्थ जनरेशनल इनका न्यूक्लियर रिएक्टर होने वाला है, इसके बाद से चाइना के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, क्या क्या देखने को नई चीज़ें मिलेंगी और दूसरी कंट्रीज के लिए क्या खतरा बढ़ सकता है चाइना की तरफ से, इन सारी एस्पेक्ट्स पे हम आज की इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप करोल बाग के हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है या मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हम आपके लिए ऑफर ला रहे हैं फ्लैट 40% का। ये ऑफर 15th तक दोस्तों हमारे क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। जो आपको 1,75,000 में मिल रहा था, ये जो आपका प्राइस था, वो 40% के बाद आपको 109,999 पे ये सिर्फ मिलने वाला है। हमारी 30 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, खुद को एनरोल करवाइए 15 दिसंबर के अंदर अंदर। साथ ही ये जो आप QR कोड देख रहे हो, इसको स्कैन करोगे तो स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ पे मेरा कोड दिया हुआ है RP10, इसको जरूर से जरूर यूज करें। इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट वो आपके कोर्स पे मिल जाएगा। तो चलिए न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। पहले हम जान लेते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? एक डिवाइस है जिसको कि यूज किया जाता है कि इनिशिएट किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ऑफ फ्यूजन, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल या इनिशिएट किया जा सके। अब न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जब कोई भी बड़ा एटम जो होता है या मॉलिक्यूल जो होता है, वो जब स्प्लिट होता है छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वहीं पे जब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, जब वो कलेक्ट होके क्या करते हैं, एक बड़ा एटम फॉर्म करते हैं, तो उसे जो कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूज्ड एट ए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये जो पावर प्लांट का ये बना रहे हैं, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वहां पे यूज किए जा रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेशन पर्पसेस एंड इन अ न्यूक्लियर मरीन प्रोपल्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो होता क्या है और किस वजह से इसको यूज किया जाता है और सेटअप इसका कैसा होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब इस जो इनका न्यूक्लियर रिएक्टर आने वाला है फोर्थ जनरेशनल, इसके बाद क्या होने वाला है, ये क्या क्या बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करेगा, पहले तो बात कर लेते हैं कि ये सेटअप कहाँ है चाइना में। तो शीडाउंग वन प्लांट जो है इसका नाम है, ठीक है, जो कि चाइना के आपके नॉर्दर्न शैंगडोंग प्रोविंस या फिर नॉर्दर्न शैंगडोंग जो एरिया है उसमें आपको देखने को ये प्लांट मिलेगा। ठीक है, जिसको कि डिजाइन किया गया है कि यूज कर किया जा सके फ्यूल्स को मोर एफिशिएंट तरीके से, इंप्रूव किया जा सके कंट्री के इकोनॉमी को, साथ ही सेफ्टी जो है कंट्री का उसको भी एक तरीके से इंप्रूव किया जा सके और एनवायरमेंटल जो फुटप्रिंट्स है, मतलब कि एनवायरमेंट को भी कोई हानि ना हो और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, तो उस वजह से उसको भी इंप्रूव किया जा सके, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के आने के बाद देखने को मिलेगा चाइना में। साथ ही ये क्या करेगा, मीट करेगा कार्बन एमिशन के जो गोल्स हैं। आपको याद होगा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की अभी 28 की समिट हुई थी, उसमें चाइना ने इवन कहा भी था कि वो क्या करने वाले हैं, अब जो कार्बन जो एमिशन वगैरह हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज से ज्यादा होते हैं, एंड दैट इज वाई उन्होंने वहां पे बोला भी था कि हम क्या करें कार्बन एमिशन को दोस्तों कैसे कंट्रोल में लाया जा सके, इसके बारे में भी उन्होंने COP28 में चर्चा की थी। ठीक है, तो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और इस न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर में और क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है। तो आपको 200 मेगावाट का HTGCR
जो है ये देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स अ हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर होगा, जो कि एक टाइप ऑफ गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको कि यूज किया जा रहा है यूरेनियम फ्यूल एंड ग्राफाइट मॉडरेशन टू प्रोड्यूस हाई रिएक्टर कोर आउटपुट टेम्परेचर्स। ठीक है, मेनली इसको हाई कोर जो रिएक्टर कोर का टेम्परेचर है वो प्रोड्यूस करने के लिए HTGC का यूज किया जा रहा है इस रिएक्टर का। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें कि ये किसके साथ कोलैबोरेट करके ये जो प्लांट है इसको सेटअप किया जा रहा है, इसका डिजाइन दिया जा रहा है, तो ये सिंगहुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, साथ ही चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एंड स्टेट के द्वारा रन किया जा रहा है एक ह्यूएंग जो यूटिलिटी एक बोल सकते हैं कि ये डिजाइन प्रोवाइड कर रहा है इस पावर प्लांट को। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि ये जो पावर प्लांट आने वाला है या न्यूक्लियर रिएक्टर आने वाला है, ये पुराने जो भी इनके जितने भी थर्ड सेकेंड जो जनरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर थे ये उनसे कैसे डिफरेंट होने वाला है। कन्वेंशनल जो रिएक्टर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन ये कुछ क्या है एडवांस्ड मॉडल के हैं, नोन एज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और SMRs। ठीक है, उसको यूज किया जाएगा फॉर अदर एप्लीकेशंस, जिसमें कि इंक्लूड किया जाएगा हीटिंग, डिसैलिनेशन और स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स। ठीक है, तो इन रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो जो पुराने न्यूक्लियर इनके रिएक्टर्स से आप देखोगे ये जो सारे आपको प्रॉफिट या बेनिफिट जो है इन रिएक्टर्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि चाइना जो है उसका क्या गोल है इस पे, तो चाइना का गोल है कि प्रोड्यूस किया जाएगा 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर बाय 2035। साथ ही 2060 का भी इन्होंने आंकड़ा जो है वो सेटअप किया है कि 18% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर लेंगे। बट अगर हम बात करें 2023 के सितंबर तक भी इनका जो 2020 का टारगेट था वो भी नहीं मीट हो पाया है, जिसमें कि इंस्टॉल करना था इनको 58 गीगावाट्स का न्यूक्लियर कैपेसिटी। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ शिडाओ बाय प्लांट्स इक्विपमेंट इज चाइनीज डिजाइन। ठीक है, तो जो ये शिडाओ पावर प्लांट है, ठीक है, इसके जो भी जो इक्विपमेंट्स वगैरह है इसमें चाइना का ही प्रोडक्ट है, चाइनीज डिजाइन जो है आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, जिसका कि आंकड़ा है 90% का। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मिशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन, अगर हम बात करें कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किस फील्ड में, तो डीकार्बोनाइजेशन के लिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है, थैंक्स टू देयर कॉम्पैक्ट एंड सिंपल। साथ ही दोस्तों इनके जो सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर हैं वो भी काफी अच्छे हैं, देयर मॉड्यूलर डिजाइन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन टाइम। तो ये जो सारे एस्पेक्ट में आप देख रहे हो कि डीकार्बोनाइजेशन में हेल्प करेगा, एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प करेगा, काफी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर का भी है, कॉम्पैक्ट भी है, मॉड्यूलर डिजाइन का जो कॉस्ट है वो भी काफी कम है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में काफी ज्यादा खर्चा लगता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो उसमें भी कम समय लग रहा है। तो इन सारे रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो ये जो फोर्थ जनरेशनल इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है ये काफी इनको मदद करने वाला है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि अब ये दूसरी कंट्रीज के लिए जब ये इनके पास आ जाएगा तो दूसरी कंट्रीज के लिए भी ये खतरा जो है वो आ सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो इनका फोर्थ जनरेशन का आने वाला है वो है क्या, और आखिरकार किन किन एस्पेक्ट में ये दूसरी कंट्रीज में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनसे बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें मेरी वीडियो को। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आप सबको मैं बता दूं, प्रयागराज में हमारा अनअकैडमी जो है वो ऑफलाइन सेंटर ला रहा है। फाउंडेशन बैच 25-26 का स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, एनरोल करवा लीजिए। 30th of November से 30 दिसंबर से हमारा ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है, अर्ली बर्ड ऑफर आपको 40% ऑफ आपको मिल जाएगा फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को। नंबर दिया गया, इस नंबर पर जरूर कॉल करें। प्रॉपर एड्रेस आपको दिया गया है, इस एड्रेस पे भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।